गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास सिक्स बी का भाग पांचवा है, लेसन फोर। इसका टॉपिक है जर्नल, रोज नामचा। क्योंकि क्लास सिक्स के विद्यार्थियों के लिए ये नया विषय होता है, नया सब्जेक्ट होता है। इससे आपने जो भी पढ़ाई की, मैथ पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ी होगी, हिंदी पढ़ी होगी, वो सब आगे रहेगा। स्टार्ट से क्लास में पढ़ाते भी हैं, लेकिन बड़े सब्जेक्ट क्लास सिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए नया होता है। तो उसमें ये टॉपिक है जनरल रोज नामचा। क्योंकि कॉमर्स व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर व्यापारी होते हैं वो अपने लेन देन जाहिर करते हैं कि पूरे साल में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो उसमें एक टॉपिक है जनरल रोज नामचा। ये क्या होता है कि जब भी कोई लेन देन होता है व्यापार में तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, जहां भी लिखा जाता है अपनी बुक पर से जनरल कहते हैं। देखिए इसके भी कुछ नियम बनाए गए, उसमें फर्स्ट देखिए, जैसे स्मार्ट वही, इसको कच्चा वही भी कहते हैं, रफ वर्क भी कहते हैं, या मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं। जैसे कि क्लास में जब वो सर पढ़ाते हैं तो पहले आप फेयर में लिखने से पहले रफ में लिखते हैं, उसके बाद में ठीक से अच्छे राइटर में फेयर का काम करते हैं। उसी तरह से भी इस जनरल में पहले स्मार्ट वही ये होती है, एक वाइट पेज की कॉपी बना लेते हैं कंपनियों में, और अब एक पेन लगा रहता है, जैसे ही कोई लेन देन होता है तो उसको तुरंत उसमें नोट कर लेते हैं, तो उसको कच्चा वही कहते हैं, या मेमोरेंडम या स्मार्ट वही कहते हैं। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है, इतना टाइम नहीं है कि वो ठीक से कॉलम बना के उनके हिसाब से पहले कर लें, तो पहले लव वर्क से नोट करते हैं, तो उसे कच्चा वही कहते हैं। तो स्मार्ट वही से ही दूसरा जो आ गया है इसमें जनरल, जो नियम के अनुसार जो तैयार करते हैं वो जनरल होता है। तो स्मार्ट वही से ही रोज नामचे में नोट क्रम वाइज तिथि वाइज लिखे जाते हैं, तो उसे जनरल कहते हैं। इसमें सर प्रारूप है, इसमें पांच खाने होते हैं, पांच कॉलम होते हैं। फर्स्ट दिनांक का होता है, डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर विवरण का होता है, और एक रकम धनी, और चौथा इसमें रकम ऋणी और धनी का होता है। सॉरी गलत लग गया, इसमें पांच कॉलम बताए थे अभी। उसमें जो चौथा खाना होता है वो खाता प्रश्न संख्या का होता है, खाता प्रश्न संख्या का होता है तीसरा क्रम, और चौथा क्रम रकम का होता है, और पांचवा भी रकम का होता है। इसमें रकम ऋणी का चौथा क्रम हुआ, और पांचवा हुआ रकम धनी का। इस तरह से पांच क्रम होते हैं रोज नाम चाल में, जनरल में पांच खाने बनेंगे। तो स्मार्ट वाइज इसमें नोट करते हैं, तिथि वाइज क्रम वाइज नोट करते जाते हैं, उस तरह से बन जाता है। इसके बाद में इसके नियम क्या है, जो भी हम इसमें एंट्री पास करेंगे तो उसके नियम क्या है। जैसे खाता होता है, खाता क्या होता है, किसी व्यक्ति आय व्यय या संपत्ति के जो खाते जहाँ लिखे जाते हैं उसे खाता कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जो भी नियम ने बताया कि इसमें जो एंट्री करते हैं वो नियम के अनुसार करते हैं। तो वो नियम क्या है, वो तीन है। पहला है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, और तीसरा है नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो तीन खाते के अकॉर्डिंग ही ये बनाते हैं। अब इसमें सभी वर्ग के नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये क्लास सिक्स बी का भाग सिक्स है, इससे पहले भाग पांच सुन लिया होगा। तो मैंने उसमें बताया था कि जो खाते होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और तीसरा नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आता है, इसमें व्यक्तियों के नाम, संस्थाओं के नाम, कंपनियां, बैंक, ये सभी इसमें आते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कुछ तरह के आइटम इस वाले खाते में आते हैं। तो इसका नियम होता है, क्योंकि जो लेन देन करते हैं वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक क्रय करने वाला, दूसरा बेचने वाला। तो उस तरह से जो नियम होते हैं वो दो साइड होती है, वन और टू, रेडी और धनी होते हैं अपने व्यापार के हिसाब से, रेडी और धनी। इसमें नियम क्या है, इसका पाने वाले को रेडी करते हैं,
जब हम मान बेचते हैं तो एक व्यक्ति पाता है और दूसरा व्यक्ति देता है, तो पाने वाले को ऋणी करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति है, देने वाले को धनी करते हैं, जो देगा, जो शेयर दे रहा है, बेच रहा है, उसको धनी पक्ष में लिखते हैं। तो ये पहले खाते के नियम है, पाने वाले को ऋणी करते हैं और देने वाले को धनी करते हैं। इसी नियम के हिसाब से इसमें एंट्री पास करते हैं, जनरल पास करते हैं। जैसे बैंक में रोकड़ जमा करें, तो बैंक में रोकड़ जमा करेंगे तो बैंक, इसमें लिखा है कोई संस्था का नाम, कोई व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तो इस खाते में आते हैं। तो बैंक क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक संस्था है, तो जब जमा करते हैं तो बैंक में बैंक प्राप्त करेगी। मैंने नियम लिखा है इसमें, पाने वाले को ऋणी करते हैं तो बैंक खाता ऋणी हो जाएगा। और दूसरा पक्ष क्या है, रोकड़ खाते का, क्योंकि उसमें हम रोकड़ जमा कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं तो हमारा नाम एंट्री में नहीं आता है। जब भी कोई खाते बनाते हैं व्यक्ति अकाउंटेंट, तो उसका नाम खाते में नहीं आता है। लेकिन वो क्या जमा कर रहे हैं, नकद रोकड़ का जमा कर रहे हैं, वो नीचे लिखते हैं। तो रोकड़ खाते का जैसे इसमें नियम लिखा हुआ है, देने वाले को धनी करते हैं। तो ये आपका ऋणी पक्ष हुआ और दूसरा ये धनी पक्ष। इसमें धनी पक्ष लिखते नहीं है, लेकिन एक वर्ड पीछे लिखते हैं, इससे ये इंडिकेट होता है, ये दर्शाता है कि ये धनी पक्ष साइड है। क्योंकि क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए नया टॉपिक है, इसे ध्यान से क्लियर देख के वीडियो तब ये पीडीएफ भेजेंगे तो वो समझ में अच्छे से आ जाएगा एक्चुअल करने के बाद में। तो पहले नियम को सही से पढ़े, पाने वाले को ऋणी करते हैं और देने वाले को धनी करते हैं। तो उसमें बैंक पाने वाला हुआ और हम क्या जमा कर रहे हैं उसमें, रोकड़, वो धनी पक्ष में आ गया। धनी पक्ष लिखते नहीं है, लेकिन एक वर्ड पीछे लिखते हैं, इससे ये इंडिकेट होता है कि ये धनी पक्ष में लिखा गया। दूसरा इसमें वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। वास्तविक खाते क्या होते हैं, जिसे हम पहले वाले खाते में आया था, जिसे हम छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, और इसमें क्या आता है, वास्तविक रियल, जिसे हम छू सकते हैं। समस्त संपत्तियां आती है, जैसे कि फर्नीचर है, भवन है, रोकड़ है, माल है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो संपत्तियां होती है। कोई मशीन हो सकती है, कोई भी इस तरह का आइटम है जिसे हम टच कर सकते हैं, तो वास्तविक खाते में आते हैं। इसका नियम क्या है, ऐसे पहले वाले खाते के नियम थे दो, ऐसे ही इसके भी दो नियम है। पहला है, व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी करते हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी पक्ष में लिखते हैं। तो व्यापार में जब भी कोई हम खरीदेंगे तो व्यापार में आएगी और जब बेचेंगे तो व्यापार से जाएगी। तो इसी नियम के हिसाब से इसमें एंट्री है, मशीन खरीदी, जब मशीन खरीदते हैं अदर सिटी से या बड़ी दुकान से मशीन लेके आते हैं, तो जब मशीन आएगी तो व्यापार में आएगी, व्यापार में आने वाली वस्तु को रेडी करते हैं। तो मशीन खाता रेडी, जब मशीन आएगी तो क्या जाएगा हमारे पास से, तो फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, रोकड़ जाएगी, नगद या रोकड़। तो इसे लिखेंगे रोकड़ खाते का नियम के अनुसार, इसमें दे रखा है व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी पक्ष में लिखते हैं। मैंने पहले वाली नहीं बताया था कि इसमें धनी लिखते नहीं है, लेकिन एक वर्ड पीछे लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी मशीन से कुछ नहीं आया, एक वर्ड पीछे लिखा गया है रोकड़ खाते। इस तरह से जो पहली एंट्री बनी थी उसी के दूसरे नियम के अनुसार ये दूसरी एंट्री पास हो गई। क्लास 6 बी के विद्यार्थियों के लिए ये भाग 7 है, इससे पहले भाग 5 और 6 सुन लिया होगा। तो इसमें टॉपिक चल रहा था, जो खाते वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला नकद खाता, दूसरा वास्तविक खाता और तीसरा नाममात्र। तो भाग 6 में दोनों जो पहला दूसरा है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, अभी तीसरा है नाममात्र खाता। इसको अवास्तविक खाता भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है, इसमें आय व्यय या लाभ हानि, इस तरह के जो आइटम होते हैं, वेतन दिया, मजदूरी दी, किराया दिया, कमीशन दिया, ब्याज दिया, जहाँ पर आय व्यय होती है, वो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो इसका नियम क्या है, रूल्स क्या है इसका, समस्त जो भी व्यापार में खर्चे होंगे या व्यय होगा उसको ऋणी पक्ष में लिखते हैं, जिससे हमें हानि हो रही हो, लॉस हो रहा हो, वो ऋणी पक्ष में आता है। दूसरा है, इसमें जो भी लाभ होगा या आय होगी, इनकम होगी, फायदा होगा, उसे हम धनी पक्ष में लिखते हैं। पहले इनको नियम को अच्छे से याद करें, उसके बाद ही ये एंट्री समझ में आएगी। पहले कई बार इसको देखें तब आएगा ये, समस्त खर्चे या जो भी व्यय होते हैं उनको ऋणी पक्ष में लिखते हैं।
और जो लाभ या फायदा हो रहा हो, इनकम हो रही हो, आय हो रही हो, प्रॉफिट हो रहा हो, उसको हम धनी पक्ष में लिखते हैं। अब इसकी एंट्री लिखा कैसे बनेगा, इसे वेतन दिया, जब किसी को मानो कोई कंपनी है, किसी को कर्मचारी काम करते हैं तो महीने के अंत में जब वो वेतन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, व्यय होगा आपका। तो जब वेतन किसी को दे रहे हैं तो वेतन का व्यय होगा, मान लीजिए व्यय, उसमें लिखा हुआ है कि व्यय खर्चे या व्यय को ऋणी करते हैं, तो उसमें एंट्री पास करेंगे वेतन खाता ऋणी, नियम के अकॉर्डिंग आ गया वेतन खाता ऋणी। लेकिन जब उसको वेतन दे रहे हैं तो वेतन में क्या दे रहे हैं, उसके लिए उसकी फॉर्म क्या है, रोकड़ दे रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं उसके लिए, तो जो रोकड़ है वो उसकी फॉर्म में जाएगा, तो रोकड़ खाते का, तो वेतन खाता ऋणी रोकड़ खाते का। नेक्स्ट, ये वेतन दिया गया है तिथि, अब यह है वेतन प्राप्त, इसी का रिवर्स है, इसी का अपोजिट। मानो कहीं हम वेतन प्राप्त करते हैं तो जब वेतन प्राप्त करेंगे तो हमें क्या होगी, आय होगी, हमारी इनकम होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि समस्त खर्चे और व्यय को ऋणी करते हैं और समस्त लाभ या आय को धनी करते हैं। जब हम वेतन प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आय होगी, और आय का लेते धनी पक्ष। तो धनी पक्ष मैंने बताया था कि धनी पक्ष सोनी करते, लेकिन एक बार पीछे लिखते हैं तो वेतन खाते का ये धनी पक्ष में आ गया, लेकिन जो मैंने वेतन प्राप्त किया है वो किसमें प्राप्त किया, रोकड़ की फॉर्म में प्राप्त किया, इसलिए रोकड़ खाता ऋणी आएगा और वेतन खाते का, इसी का रिवर्स एंट्री है, इसको अच्छे से करें उसके बाद ये समझे। तो वेतन प्राप्त किया गया है तो इसमें हमारे फायदा हुआ है, इसलिए वो नियम के अकॉर्डिंग दूसरा नियम है लिखा हुआ है, लाभ या आय को धनी पक्ष में लिखते हैं, इसलिए वेतन खाते का ये धनी पक्ष में लिखा गया है, और जो हमने वेतन प्राप्त किया है वो रोकड़ की फॉर्म में, इसलिए रोकड़ खाते, सॉरी रोकड़ खाता रेडी किया जाएगा। थैंक यू।